subscribe to my channel NR Solution. Press the bell icon for more video latest updates. हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं NR Solution. दोस्तों, मेरे पास मोबाइल है सैमसंग का A10A105F. ठीक है, इसका U7 बैटरी वर्जन है और इसका हमें रूट करना है. और इसमें जो सिक्योरिटी वर्जन लगा हुआ है वो जनवरी 2022 का है. वो मैं आपको चेक करा लेता हूँ. ये सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन बन जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि जनवरी 2022, ठीक है, जनवरी फरवरी 2022 में यही वर्जन जो है इसका चल रहा है. इसके लिए सबसे पहले आपको इसमें वाईफाई कनेक्ट करना होगा. वाईफाई कनेक्ट करने के बाद इसका आपको OEM जो है वो अनलॉक करना होगा. ठीक है, वाईफाई हमारा कनेक्ट किया हुआ है. हम अबाउट में जाएंगे और सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाएंगे. यहाँ पे पॉइंट नंबर है, यहाँ पे 5 बार आपको क्लिक करना है. ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, डेवलपर ऑप्शन. इस पर आप क्लिक करेंगे, इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा OEM अनलॉकिंग. ठीक है, ये हमारा OEM अनलॉकिंग यहाँ पे इनेबल हो गया है. ठीक है, अगर ये OEM अनलॉक आपके पास शो नहीं हो रहा है तो इससे मुतलिक मैंने आई बटन में वीडियो दे दी है और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो दे दी है. आप इस ऑप्शन को फिक्स कर सकते हैं वो वीडियो देख के. ठीक है, इसके बाद हमें मोबाइल को बंद करना होगा और चलना होगा अपनी PC में. दोस्तों, मोबाइल को आप डाउनलोडिंग मूड में लगा लें. ये डेटा केबल है और यहाँ पे वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का बटन है. इनको दबा के और डेटा केबल इन करनी होगी. डेटा केबल PC के साथ कनेक्ट होनी चाहिए. ठीक है, जब इस बटन को आप दबा के रखेंगे तो हमारे ये सामने कुछ ऐसा ऑप्शन होगा. दोस्तों, जब आप रूट फाइल लगाएंगे तो रूट फाइल लगाने से पहले आपका जो इसका ये देख रहे हैं डिवाइस अनलॉक जो है मूड. ठीक है, आपको ये जो डिवाइस है इसका बूट जो है वो अनलॉक करना होगा. सबसे पहले आपको ये बूट अनलॉक करना होगा. बूट अनलॉक करने के बाद ही आप इसको रूट फाइल लगा सकेंगे, नहीं तो रूट फाइल नहीं लगेगी और ऑप्शन फेल हो जाएगा. अगर आपने ये अनलॉक ऑप्शन नहीं किया है तो ऊपर वाले बटन को दबा के रखेंगे तो इसका जो है ना वो OEM अनलॉक हो जाएगा, बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा. ठीक है, मैंने पहले से ही बूट लोडर इसका अनलॉक कर लिया है. इसके बाद भी आपका अगर बूट लोडर अनलॉक नहीं होता है तो मैंने आई बटन में वीडियो दे दी है और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो दे दी है. आप वो वीडियो देख के इसका जो है बूट अनलॉक कर सकते हैं. ठीक है, अभी सिंपल हमें वॉल्यूम अप को एक बार क्लिक करना होगा और हमारा ये डाउनलोडिंग मूड में आ चुका है. दोस्तों, ये फाइल है, इस फाइल को आप एक्सेप्ट सही करेंगे और ये फाइल पासवर्ड प्रोटेक्ट पे है. इसको आप पासवर्ड लगाना होगा. पासवर्ड मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे आपको पासवर्ड लगाना है NRSOLUPION NR Solution A10 और U7. ठीक है, ये हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है और ठीक है, ये TRP रिकवरी है और ये मैजिस का जो है फाइल्स हैं रूट की और ये रूट करने के बाद जो इसकी एप्लीकेशन है वो हमें इंस्टॉल करनी होगी. सबसे पहले आपको जो है ओडिन को ओपन करना होगा. ओडिन की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे दी है और ये जो फाइल्स हैं इनकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी, आप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे AP में आपको ये फाइल सेलेक्ट करनी है. डेस्कटॉप पे जाएंगे और ये 105U7 की फाइल है. ठीक है दोस्तों, ये TWRP फाइल है जो ये हमें इसमें राइट करनी है. ये फाइल हमने ओपन कर दी. इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन में जाना होगा. ऑप्शन जाने के बाद ऑटो जो रिबूट का ऑप्शन है वो आपको बंद करना होगा. उसको बंद करने के बाद सिंपल आप स्टार्ट पे क्लिक कर दें तो ये फाइल जो है हमारी वो राइट हो जाएगी. ठीक है, राइट होने के बाद आप जो है इसमें USB केबल निकाल सकते हो फिलहाल के लिए. फिर से हमें ज़रूरत पड़ेगी फिर हम इसमें लगा लेंगे. अभी हमको ये वॉल्यूम डाउन का जो बटन है और पावर का जो बटन है इनको दबा के रखना है. ठीक है, जैसे ही मोबाइल रिस्टार्ट होता है तो वॉल्यूम डाउन के बटन को आप छोड़ देंगे, फिर वॉल्यूम अप के बटन को दबा के रखेंगे. ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा
रिकवरी मूड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे हमें जो है ये वाइप जो लिखा हुआ है, यहाँ पे वाइप पे क्लिक करना है और यहाँ पे फॉर्मेट जो डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ इसके बाद यहाँ पे आपको यस लिखना है और ओके कर देना है। ठीक है, ये जो हमारा मोबाइल था वो पूरा का पूरा फॉर्मेट हो चुका है। उसके बाद बैक पर आना है और बैक, इसके बाद आपको यूएसबी केबल फिर से इन करनी है। तो दोस्तों हमने यूएसबी केबल इसमें इन कर दी है और ओडिन को आप बंद कर लें और यहाँ पे आपको जाना है A10 में। ठीक है, ये A10 का है। यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में हमें एक फ़ाइल जो है वो रखनी है, वो ये फ़ाइल है। यहाँ पे 105 में जाके और यहाँ पे मैजिस की जो फ़ाइल है इसे आप कॉपी कर लें और इसको आप इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट कर लें और यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ये देख सकते हैं ये हमारी फ़ाइल शो हो चुकी है। यहाँ पे अगर फाइल शो नहीं होती है तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टोरेज का ऑप्शन आपके पास आएगा, तो यहाँ पे आप एसडी कार्ड भी सेलेक्ट कर सकते हो जब एसडी कार्ड में फ़ाइल रखी हो, ओटीजी भी कर सकते हो, इंटरनल स्टोरेज भी कर सकते हो। अगर इंटरनल स्टोरेज में फ़ाइल शो नहीं होती है तो आप इसमें मेमोरी कार्ड इन करके उसमें फ़ाइल डाल के फिर यहाँ से इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल तो हमें जो है इंटरनल स्टोरेज में ही जो है फ़ाइल रखी है वही हमें यूज़ करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है फाइल पे और सिंपल स्वाइप कर देना है। तो दोस्तों ये हमारी जो फाइल है वो इंस्टॉल कम्प्लीटली हो चुकी है। उसके बाद रिबूट सिस्टम पर क्लिक करना है और कुछ देर बाद जब सेटअप आता है तो मैं आपको इसकी पूरी सेटिंग बताता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हमारा मोबाइल स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद हमें इसमें फिर से वाईफाई कनेक्ट करना होगा। तो हमारा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है, उसके बाद हमें इसका OEM अनलॉक जो है वो फिर से OEM अनलॉक करना होगा। अबाउट में जाके सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसके बाद डेवलपर ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पे OEM अनलॉकिंग जो है वो शो हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमें बैक जाना होगा। बैक जाने के बाद हमें अपनी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जो है कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद इसमें हमें दो एप्लीकेशन रखनी है, एक मैजिक्स की जो एप्लीकेशन है, APK एप्लीकेशन है वो रखनी है और दूसरी रूट चेक करने की एप्लीकेशन हमें अपने मोबाइल में रख के और इसको इंस्टॉल कर लेना है।